मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्थ इंटरनेशनल स्कूल। आज आपके क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस का, बायोलॉजी का जो अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था, ह्यूमन सिस्टम्स को कंटिन्यू करते हैं। आज की सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास के अंदर इसका अपने इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे, इसमें जो अपने टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम टू डाइजेस्ट फूड, ठीक है। यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि वो बॉडी के काम में आ सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फूड जो हम इंटेक करते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। फूड को क्या किया जाता है, सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के बाद में इसको क्या किया जाता है, जैसे पानी इसके साथ मिक्स होता है, उसको पानी में से एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। और एक जो जूसेस के नाम जूसेस के रूप में ये बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके खाना होता है, ठीक है, फूड के अंदर एज यू नो कि देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट, ठीक है, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये सारी चीजें फूड के अंदर होती है। ये सारी चीजें जो होती है, न्यूट्रिशन जो होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, बॉडी को रिक्वायर होते हैं, बॉडी इसी से बॉडी को एनर्जी मिलती है टू वर्क एक्सेट्रा, ठीक है। अब इस ये जो न्यूट्रिशन होते हैं, इनको डाइजेस्ट किया जाता है बॉडी के अंदर एंजाइम्स वगैरह की हेल्प से, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे ग्लैंड्स भी इसके अंदर होती है जो इस जूसेस का सेक्रेशन करती है और ऑर्गन्स जो है पूरे बॉडी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मतलब एक बड़े लेवल पे, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा जो सिस्टम होता है, इन ऑर्गन और ग्लैंड्स को मिला के और पूरा जो डाइजेशन होता है फूड का, वो सारा किसके अंदर बताता है आपके अंडर द कैटेगरी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की कैटेगरी में आपकी ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अपन इसको थोड़ा सा थोड़ी देखते हैं, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज अ सिस्टम टू डाइजेस्ट फूड। अगर इसको वन वर्ड या वन लाइन में इसको समझे तो ये क्या एक सिस्टम है, डाइजेस्ट फूड, ठीक है, खाने को डाइजेस्ट करने का। अब खाने को डाइजेस्ट करना है तो खाना क्या होता है, फूड। फूड जो है वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट होती है, आपको डेली बॉडी के अंदर इंटेक करना होता है फॉर द सेक ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम इट, ठीक है। तो उसमें से एनर्जी जो होती है वो आपको न्यूट्रिशन से मिलती है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उन न्यूट्रिशन से एनर्जी प्राप्त की जाती है, ठीक है। फूड जो है इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स के अंदर प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, पानी भी इसके साथ में होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है बॉडी को क्या चाहिए होती है, डेली रिक्वायरमेंट में चाहिए होती है, ठीक है। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसको तोड़ा जाता है, ब्रोकन डाउन टू द सिंपलर वन, ठीक है। इसको सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ा जाता है, ठीक है। तोड़ने से क्या होता है, वो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, और वो डिसॉल्व होने के बाद में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस केस को ऐसा किया जाता है और ये सारी जो प्रक्रिया होती है, ऑल द प्रोसेस डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो ये जो है प्रोसेस है, ये किसकी मदद से होती है, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स, ठीक है। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है, जैसे इसके होते हैं, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, बायोकेमिकल जो कैटलिस्ट की तरह होते हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, आप केमिकली इस खाने को तोड़ने का काम करते हैं और डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर कुछ ऑर्गन्स और ग्लैंड्स होती हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस डाइजेशन प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ऑर्गन्स और ग्लैंड्स के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। पर पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स और कौन कौन सी ग्लैंड्स जो होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। ऑर्गन्स के अंदर सबसे पहले माउथ, क्योंकि आप जो खाना चबाते हैं सबसे पहले कहाँ चबाते हैं, मुंह के अंदर चबाते हैं, हेल्प होती है, ठीक है। यहाँ से माउथ से आपका ये डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और ये जो प्रोसेस होती है स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका फैरिंक्स, फैरिंक्स के बाद में आता है आपका ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस के बाद में स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। क्योंकि जैसे माउथ को आपका हम लोग या फैरिंक्स यहाँ पे एक ऑर्गन होता है, उसके बाद ईसोफेगस जो है वो गली होती है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है जो आपके फैरिंक्स से लेकर स्टमक तक जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो है स्टमक आता है आपका मेन आमाशय, इसका मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है डाइजेशन का, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम के हिसाब से यहाँ पे खाना बढ़ा जाता है और यहाँ पे जो है फास्ट फूड डाइजेशन होता है वो यहाँ पे होता है, ठीक है, स्टमक के अंदर। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन आती है जो आपकी छोटियाँ होते हैं और डाइजेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। काफी लंबी भी होती है, साढ़े सात फीट लंबी भी हो सकती है। फिर आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, कितनी बढ़िया आती है। उसके बाद में तो ये सब और यहाँ पे खाना मतलब जो है डाइजेस्ट जो फूड होता है स्टोर होता है और यहाँ से उसके बाद में जो है एनस के माध्यम से ये बाहर एक्सपेल आउट होता है। ये सारे कुछ ऑर्गन्स हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और मेनली इन्हीं की मदद से डाइजेशन होता है। उसके बाद में फिर ये बात करते हैं ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड्स में कौन कौन सी आती है, सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा का सेक्रेशन करती है आपके मुंह के अंदर, की क्रिया डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है आपका लीवर, ठीक है, लीवर जो होता है बाइल जूस का सेक्रेशन करता है, ठीक है। ये भी एक ग्लैंड होगी जो
आप केस के अंदर पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि ये भी अंदर के कुछ जूसेस का सेपरेशन करती है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद में पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाज वर्सेस इंसुलिन का भी सेपरेशन करती है, इसके साथ में ये पैनक्रियाटिक जूस का भी सेपरेशन करती है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन में कौन कौन से जो है मेन पार्टिसिपेट करते हैं उनको अपने को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं जो डाइजेशन को लेके इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये सारे ऑर्गन्स जो है ऑल टुगेदर कलेक्टिवली फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल, आपके मुंह से लेके एनस तक का जो पार्ट है पूरा जो है वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। और ये सारे ऑर्गन्स में बाद में अलग अलग उनके नेम्स के अकॉर्डिंग जो है जाने जाते हैं। तो ऑल ऑर्गन्स कलेक्टिवली फॉर्म एलिमेंट्री कैनाल पे रन फ्रॉम माउथ टू द रेक्टम, माउथ से लेके रेक्टम तक जो है चलती है आपके मुंह से लेके रेक्टम तक। ठीक है, उसके बाद में एनस आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज रियली 8 to 10 meter लॉन्ग, ये करीब 8 से 10 meter लॉन्ग होती है। उसमें सबसे लंबा पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है एंड आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव कैनाल, और इसको डाइजेस्टिव कैनाल भी कह सकते हैं। कैनाल की वजह से आपको नहर होती है वैसे ही नहर या सड़क की तरह चलती है पूरी। उसके बाद में मेन फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो है वो क्या है, सबसे पहले है टू डाइजेस्ट फूड बाय कन्वर्टिंग इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, इसको डाइजेस्ट किया जाता है और सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है ताकि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन है। सेकेंड है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया है जो डाइजेस्टेड फॉर्म में है जूस फॉर्म में है। ठीक है, उसका एक जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं जो इसका पाचक तंत्र बनता है। ठीक है, तो उसको अपन क्या करते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है बॉडी के अंदर उनको सेल्स तक पहुंचाने का आगे फर्दर जो है वो प्रोसीजर रहता है। फिर टू ब्रिंग फूड फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है, फूड को लिया जाता है आपके मुंह से लेके आपके एनस होता है वहां से। ठीक है, उसके बाद में देखिए एंजाइम्स जो होते हैं आपके पूरे सिस्टम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो एंजाइम्स क्या करते हैं फूड को बायोकेमिकल रिएक्शंस करके उनको तोड़ते हैं और सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव जूसेस हैव सेम डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये न्यूट्रिशन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं बॉडी को। ठीक है, फिर द इंजेस्टेड फूड मूव फ्रॉम माउथ टू रेक्टम, जो इंजेस्टेड फूड होता है वो मुंह से रेक्टम तक जाता है। बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होता है लगातार कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं। ठीक है, उन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से खाना जो है आगे से आगे बढ़ता है, उसको अपन वेजिटेबल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल के अंदर तो और ज्यादा आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का टॉपिक